अब क्लियर कोड के बाद देखते कैसा फिनिश आता है एंड कल होगी हमारी रबिंग। सो व्हाट इज अप गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ स्टैंसर मॉडिफिकेशंस एंड दिस इज पार्ट 3। सो फॉर टुडे वी हैव दिस स्पेशल पर्सन विद अस। भाई सबसे पहले तो अपना नाम बताओ। दिस इज राहुल जान जी एंड वी आर एट ऑटोटेक। लास्ट वीडियो में आपने देखा कि मैंने अपनी गाड़ी में लगवाए हैं वेंट एंड साथ में लगवाई है ग्रिल, कस्टम मेश ग्रिल लगवाई है, तो थोड़ी बहुत जो लुक थी वो नहीं आ रही थी। तो फाइनली टुडे इज द डे वी आर गिविंग इट अ वेरी गुड पेंट जॉब एंड मैं आया हूँ ऑटोटेक दिल्ली पर, आपको नजर आ रहा है। तो फटाफट से करते हैं इस वीडियो को शुरू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको नजर आ रहा है कि ये जो ग्रिल है वो आपको थोड़ी अलग लग रही होगी। जिस दिन मैंने इस गाड़ी के ऊपर पेंट कराया उससे पहले थोड़ा रीकैप में चले, तो मैंने इसके अंदर एक और ग्रिल ऐड करवा दिया है बिकॉज जो विजिबिलिटी हो रही थी इंजन की, इंजन बे की, वो बहुत ज्यादा हो रही थी एंड आई वॉज नॉट पर्सनली लाइकिंग इट। आई वॉज 20% नॉट सेटिस्फाइड विद दी विजिबिलिटी। तो मैंने सोचा इसके अंदर ग्रिल लगवाई जाए। तो आप एक बारी पहले ग्रिल देखो मैंने कैसे लगवाई है, कौन सी लगवाई है एंड देन वील कम बैक ओवर हेयर टू दी पेंट जॉब। तो देखो मैं जो है 4 पीस अपनी गाड़ी के पेंट करवा रहा हूँ सेम शेड के अंदर जो इस कार के ऊपर ऑलरेडी हो रखा है। वन इज योर बोनट, क्योंकि इसके ऊपर हमने वेंट की कटिंग करी है तो बोनट हल्का सा खराब हो गया, ऑल्दो और कहीं से खराब भी नहीं थी बोनट के अंदर, बट यस हमें ये चीजें अपनी गाड़ी के ऊपर नहीं चाहिए जिसके लिए हमें पेंट करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट बात आ जाती है तो जो हमारा बम्पर था वो यहाँ से फट गया था जिसकी वजह से मैंने इसको रिपेयर करवाया था, बट यस उस टाइम पर मैं पेंट नहीं करवा पाया तो आज हम इसको भी पेंट करवाएंगे। थर्ड पीस जो हम पेंट करवा रहे हैं वो है इसका रियर बम्पर। देख सकते हो बहुत ही ज्यादा गंदा हो रहा है एंड यहाँ पर देख सकते हो कि इस बम्पर में बहुत ज्यादा कह सकते हो पट्टी भरी हुई है। तो अभी हम इसको ऐसे ही रिटेन करेंगे, इसकी हम रफिंग अच्छे से नहीं करवाएंगे। जब पूरी गाड़ी पेंट करवाएंगे तब इसको सेट करेंगे, क्योंकि अगर इसको सेट करने का मतलब है कि इसको छेड़ना, इसको छेड़ने का मतलब है पूरी गाड़ी छेड़ना, तो हम अभी ये नहीं करेंगे। अभी सिर्फ हम बम्पर पेंट करेंगे यहाँ पर पट्टी भरकर। और यहाँ पर देख सकते हो जब हमने व्हील स्पेसर्स लगवाए हुए थे 1.5 इंचेस के, तो यहाँ पर पूरी रबिंग हो रही थी टायर के साथ जिसकी वजह से ये वाला जो क्वार्टर पैनल है वो अंदर को दब गया, तो हमें ये भी रिपेयर करवाना पड़ेगा एंड ये भी हम पेंट करवा रहे हैं। तो इस पूरे काम में जो हमारी हेल्प करने वाले हैं वो सबसे पहले ये वाले भैया रहेंगे। भैया अपना नाम जरूर बताओ। भारत। और जो पेंट जॉब करेंगे उन भैया का नाम है? यस खान। ठीक है, मतलब खान साहब। ठीक है, तो ये दोनों भाई हमारे मिलकर इस गाड़ी पे पूरा वर्क ऑन करने वाले हैं। बाकी यार एक चीज है, यहाँ पर लाइट्स है ना, तो गाड़ी ना देखने में बहुत ज्यादा सुंदर सी लग रही है, नीचे कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। एंड यस इफ यू आर एंजॉयिंग दिस सीरीज एंड दिस वीडियो देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। आगे बहुत सारी चीजें आपके पास आने वाली हैं। तो अपना सारा सामान खुल चुका है, बोनट अपना ये पड़ा, बम्पर अपना वो रहा फ्रंट बम्पर एंड रियर बम्पर अपना ये पड़ा। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा ऑटोटेक कब से है एंड क्या क्या सर्विसेज हमें प्रोवाइड होती हैं? ऑटोटेक को एग्जैक्टली 1 साल हो चुका है और ऑटोटेक पे आपको सर्विसेज, इट्स बेसिकली हमारा मोटो है वन स्टॉप सॉल्यूशन, और हमारा बिजनेस मोटो भी है, उसे कहते हैं कि वी बिलीव नॉट इन नंबर्स बट इन पीपल। हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं, हम उस तरीके से ट्रांसपेरेंट रखते हैं। सर्विसेज में एलॉयज, टायर्स, पेंट जॉब, मॉडेस्टर सिरेमिक कोट्स एंड इंटीरियर कस्टमाइजेशन, जैसे अगर आपको टेक्सटाइल्स वगैरह या फैब्रिक वगैरह लगवाना है तो हम उसमें भी डील करते हैं। तो बेसिकली वी आर स्टेप गोइंग क्लोजर टू अ वन स्टॉप सॉल्यूशन। सो वी आर स्टार्टेड विद द वर्क एंड सबसे पहले हम इसका डेंट निकाल रहे हैं। भाई जी आपके पास पहले तो बताओ टूल कौन सा है? टाइल लीवर है, हथौड़ा है, और हम कुछ ऐसे इसका डेंट निकालने वाले हैं जैसे कि अभी आपको नजर आएगा। तो ये वाली जो किट है जो हमारी स्कर्टिंग्स नीचे लगी हुई हैं, इसको भी मैं बम्पर के अंदर डिफ्यूज़ कराने वाला हूँ। कह सकते हो यहाँ पर हम इसका पूरा जॉइंट करेंगे सो दैट ये अलग सा एक पीस नज़र ना आए एंड अलग से पीस से फ्लेक्सिबिलिटी तो रहती है, बट असल में होता गया थोड़े टाइम बाद आपको इसके अंदर गैप नज़र आना शुरू हो जाता है जैसे कि अभी आपको नज़र आ रहा है। एंड जो पीछे वाला बम्पर है उस पर भी हम सेम काम करने वाले हैं।
सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो चीज़ अंदर को थोड़ी कर्व्ड थी वो हमने बिल्कुल सीधी कर दी है एंड यहाँ से डेंट निकल चुका है। ब्लेड है भैया। अच्छा ब्लेड है। हाँ जी ठीक है। तो इससे अब हम क्या करेंगे? इससे अगर भी जितना डेंट निकल गया होगा उसके ऊपर ये ब्लेड चल जाएगी, अगर जो नहीं निकला होगा जो खड्डा होगा वो छोड़ देगा ये। ये जहाँ जहाँ डेंट निकल गया है वहाँ वहाँ ये एकदम क्लियर हो गया। अब हाँ जी। अब जो ये पैंट है यहाँ पे डेंट है हल्का हल्का, तो यहाँ पर हमें फिर से थोड़ी बहुत डेंटिंग करनी पड़ेगी। थोड़ी बहुत डेंटिंग करनी पड़ेगी जब हो जाएगा ये भी सही। तो मैं एक आपको छोटी सी प्रो टिप देना चाहूंगा जब भी आप सेकंड हैंड गाड़ी खरीद रहे हो, क्योंकि इस पे मसाला देख रहे हो कितना भरा हुआ है, ये सब मसाला लिखना जो इस गाड़ी के ऊपर भरा हुआ था। तो प्रो टिप कुछ ऐसी है कि कभी भी किसी बंदे पे अंधा विश्वास ना करो। नेक्स्ट प्रो टिप इज दैट कि जब भी आप गाड़ी खरीदते हो तो चेक करो उस गाड़ी में कितनी पट्टी भरी हुई है, उसकी पेंट क्वालिटी क्या है। एंड अगेन वही बात आ जाती है, किसी पे अंधा विश्वास मत करो। नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि क्या गाड़ी के सारे आर्टिकल्स आपको मिल रहे हैं, जैसे कि सीट बेल्ट, बकल्स, पार्सल ट्रे, जो स्टेपनी वाली ट्रे होती है वो आपको मिल रही है या नहीं मिल रही। मतलब हर एक छोटी छोटी चीज ध्यान में रखो जब आप एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद रहे हो। नो डाउट इस गाड़ी का इंजन इज वेरी परफेक्ट, नो डाउट, बट जो मिसिंग आर्टिकल्स मुझे आज तक नहीं मिले भाई वो मिले ही नहीं मुझे कभी। सो यस इट्स अगेन अ प्रो टिप, अगर मानना चाहते हो तो मान सकते हो। ओके तो फाइनली हम आ चुके हैं ऑटोटेक के आईसीयू वाले पार्ट में। सबसे पहले बताओ आईसीयू का मतलब क्या है? आईसीयू का मतलब है इंटेंस कार केयर यूनिट। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा सोच समझ के रखा है। ठीक है। सो देखो ये वाला जो अपना बंपर है ना वो आ चुका है एंड इसके ऊपर अब हम ये वाली सैंडिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम हाथ से सैंडिंग नहीं कर रहे हैं, हम मशीन से कर रहे हैं। तो राहुल जी इसका क्या यूज रहेगा? अब जैसे न्यूमेटिक से हम एयर यूज कर रहे हैं, बेसिकली जहाँ पे दरारें हैं या चोट लगी हुई है बम्पर को वो एग्जैक्टली ओपन कर रहे हैं ताकि हम उसको ढंग से देख सकें कितनी डेप्थ है क्या है और उसको फिर पुट्टी और पोलिस्टर पट्टी से भर सकें। तो बेसिकली वो एम है इसका। ओके तो सेकेंड डे भी हम शुरू करने वाले हैं आईसीयू से। यहाँ पड़ा है अपना बम्पर जिसके ऊपर पट्टी भर दी गई है। यहाँ पर अपनी जो ग्रिल है उसका काम चल रहा है, जो कि फ्रेम में हल्की फुल्की कमी थी वो हमारे पेंटर भाई जी पूरे कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमने इसके ऊपर फ्रेम बनवाया है, यानी कि जो बोनट के ऊपर फ्रेम बनवाया है उसकी भी हमने पूरी फिनिशिंग कर दी है, बट जो हल्की फुल्की जो रह जाएगी कमी वो इसके ऊपर अस्तर लगने के बाद ही हमें पता चल पाएगी। बट यस जो फिनिशिंग है वो अभी आपको लग रहा होगा बहुत ही ज़्यादा स्मूथ कर दी गई है। पीछे वाले बम्पर पे अभी पट्टी भरनी बाकी है। प्रोडक्ट्स जो हम पट्टी भरने के लिए यूज़ कर रहे हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं सामने। दिस इज़ पॉलिस्टर पट्टी, साथ में ये अपना हार्डनर है। तो ग्रिल जो है वो अपनी ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है। अब पेंटर भाई जी स्कर्टिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर इसकी घिसाई करनी पड़ेगी सो दैट ये सारा प्लेन हो जाए, उसी के बाद हम इसके ऊपर माल भर पाएंगे। नेक्स्ट चीज़ एक और क्लियर करना चाहूँगा, हम इसको प्रॉपरली डिफ्यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि डिफ्यूज़ करने में इसका माइट भी लेवल ना आए। तो फिलहाल जो हम कर रहे हैं जितने भी ये हमें गैप नज़र आएंगे हम उनको सबको भरेंगे एंड देन इसके ऊपर पेंट करेंगे। मीनवाइल जब तक अपना काम चल रहा है मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। अगर किसी ने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा तो फटाफट से फॉलो कर लो, यूट्यूब से पहले इंस्टाग्राम पर सारे अपडेट्स आ जाते हैं इन सब चीज़ों के। एंड ये जो पैकेज था ये ऑर्बिस ऑटोमोटिव से आया है। दिस इज़ एन यूनिवर्सल नंबर प्लेट होल्डर जो कि हम बम्पर पर लगवाएंगे फ्रंट वाले एंड ये अच्छा लगेगा देखने में, बाकी लगने के बाद ही ज़्यादा अच्छा जस्टिस हो पाएगा कि सही लग रहा है या नहीं। सो यस एक पैकेज मेरा ये आया था, बाकी बहुत सारे पैकेजेस और आए हुए हैं। तो यहाँ आ चुके हैं अपना पेंट एंड ये सारे टिंटर्स होते हैं जो ऐड ऑन करके हम इसका शेड बनाने वाले हैं। यहाँ पर हमने हल्का सा ट्राई कर लिया है एंड ऑलमोस्ट मैच कर चुका है वाला पेंट, बाकी पेंट होने के बाद ही पता चलेगा। तो जो टिंटर्स हमने यूज करे हैं वो है ब्लैक, येलो एंड ब्लू, तब जाके हमारे पास ऐसा आउटपुट आया है। तो यहाँ पर अब चल रहा है फाइनल टचअप करने वाला काम, यानी कि जितनी भी पट्टी वगैरह भरनी है उसका काम अब चल रहा है। फ्रंट बम्पर हमने लगा के देख लिया, ऑलमोस्ट सेट है। बॉडी किट को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने यहाँ पर एक नट यहाँ प्लेस करा है और एक नट यहाँ प्लेस करा है। पीछे का जो बम्पर है उसके ऊपर भी यही सब कुछ काम चल रहा है एंड इट्स ऑलमोस्ट डन। बाकी नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताते रहना कि आपको काम सही भी लग रहा है या नहीं लग रहा। तो ये वाला फेंडर ठीक कराने के बाद मुझे कुछ ऐसा लगा कि ये वाला फेंडर भी ठीक करवा लेना चाहिए क्योंकि ये भी यहाँ से सारा घिसा हुआ है। तो हम इसका भी डेंट निकलवा रहे हैं एंड इसको भी दोबारा पेंट करवाएंगे।
ओके, तो जो अपना फ्रंट बम्पर का काम है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है एंड ये बम्पर रेडी है पेंट के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने बॉडी किट के ऊपर पूरा यहाँ बॉडी फिलर भर के इसको प्लेन कर दिया है। सेम हमने यहाँ पर भी करा है सो दैट ये पूरा एक कंप्लीट एक पीस लगे एंड लुक भी अच्छा है। यस आई नो इसके थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स हैं बट कोई नहीं, आई कैन कॉम्प्रोमाइज विद देम। पीछे अपना काम चल रहा है ड्राई सैंडिंग का, जैसे हम कल मशीन से काम कर रहे थे उसी मशीन से आज हम काम कर रहे हैं, अगेन ड्राई सैंडिंग कर रहे हैं। तो इसका एक बेसिक यूज सिर्फ ये रहेगा कि जब हम इसके ऊपर पेंट करें तो जो पेंट की स्टिकीनेस है, जो पेंट की पकड़ है, वो अच्छे से इस बम्पर के ऊपर बैठ जाए। जितनी रफ सरफेस होगी उतना ही पेंट का उसके ऊपर इफेक्ट अच्छा होगा और उतना ही पेंट की जो स्टिकीनेस है उसके ऊपर अच्छी होगी। एंड अगेन हम ये चीज इस वाले एक मशीन के साथ कर रहे हैं, दिस इज नोन एज ड्राई सैंडिंग। तो अपने साथ आ चुके हैं पाजी। पाजी पेंट सही हो रहा है? भाई काम तो सही कर रहा है, देखो अब आगे पता चलेगा जैसे जैसे होगा। तो जो मशीन से सैंडिंग का डिफरेंस है वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ हल्का सा नज़र आ रहा होगा पेंट में फ़र्क। एक ये देखो एंड एक ये वाला कलर देखो, वो थोड़ा ज़्यादा वाइटिश में है एंड ये थोड़ा ऑफ वाइट लग रहा है। तो आई होप आपको नज़र आ गया होगा कि हम ड्राई सैंडिंग अपनी कार के ऊपर, अपने जो कार के पीसीज हैं उनके ऊपर क्यों करवा रहे हैं। सिर्फ यही रीज़न है, सो दैट अगेन बोलना चाहूंगा कि जो स्टिकीनेस है वो काफ़ी अच्छी आए। तो सारा काम होने के बाद अब चल रही है अपनी मास्किंग। हमारे खान साहब यहाँ पर पूरी टेपिंग जोरों शोरों से करते हुए, मास्किंग जोरों शोरों से करते हुए, क्योंकि इसके ऊपर अब लगना है अस्तर। तो उसके लिए बस वेट है छोटा सा, जब तक आप सिनेमैटिक्स एंजॉय करो। फाइनली यहां पर अपना अस्तर रेडी हो चुका है जो कि अब हम बम्पर के ऊपर मारेंगे। बम्पर के ऊपर मारने के बाद हम ये देखेंगे कि क्या क्या कमी और रह गई है बम्पर में, उसको करेक्ट करेंगे। तो खान साहब अब हमारी जो बम्पर के ऊपर है वो चेक पट्टी कर रहे हैं। अब चेक पट्टी का बेसिकली मतलब क्या होता है और इसका मोटिव और एम क्या है? जैसे हमने यहाँ पर सारा अस्तर मारा, जहाँ जहाँ हमने इसकी बॉडी फिलिंग करी है, जैसे यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर, यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने सारा अस्तर मारा है। अब जितने भी हमें इसके अंदर कमियाँ नजर आएंगे वो हमारी चेक पट्टी से कम्प्लीट होगी। बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ, तो मैं भी सीख रहा हूँ खान साहब के साथ यहाँ पर बैठ के। बाकी यार मेरे को बताना कि जैसे बॉडी किट हमने डिफ्यूज करा दी तो कैसी लग रही है, बल्कि लुक हो चुका है गाड़ी का जहाँ तक मेरे को लग रहा है, बाकी आपने जरूर नीचे बताना है। तो देखो मेरे को पता है कि आपको वीडियोज ये पसंद आ रही है, तो यस वीडियो को लाइक जरूर करना क्योंकि ये जो सीरीज है ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। इन कोलैबोरेशन विद ऑटो म्यूजिक एम्पोरियम योर स्पीडी सिंह इज गिविंग अवे ऑटो फोम सीट कवर्स। छोटी सी रिक्वायरमेंट्स है आपको अगर इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है। सबसे पहले क्या करना है आपको, आपको इंस्टाग्राम पर एक फ़ोटो मिलेगी, ये वाली फ़ोटो पर आपको अपने 3 फ्रेंड्स को टैग करना है एंड उन 3 फ्रेंड्स को कहना है कि आपने स्पीडी सिंह को इंस्टाग्राम पर फॉलो एंड यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना है। अगर ये करवाओगे सो यू आर एलिजिबल फॉर दिस गिव अवे। एंड जो गिव अवे के रिजल्ट होंगे वो मैं अपनी लास्ट वीडियो में शेयर करूँगा, जो हमारी स्विफ्ट की मॉडिफिकेशन सीरीज है उसकी लास्ट वीडियो में मैं आपको गिव अवे विनर की अनाउंसमेंट करूंगा। सो फटाफट से आगे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो एंड सब्सक्राइब करवाओ अपने फ्रेंड से, प्लस अपने 3 फ्रेंड्स को टैग करो एंड फॉलो करवाओ फॉर विनिंग ऑटो फोम सीट कवर। सो फाइनली हम हैं अपनी लास्ट स्टेजेस में इस कार के पेंट जॉब। अब जो काम हो रहा है वो है वेट सैंडिंग। इससे बेसिकली हम क्या करेंगे, जितना भी आपको ये नज़र आ रहा है ना, रफनेस हो गई या फिर जितना भी ये अनइवन सरफेस है, इसको हम पूरा प्लेन करेंगे। उसके बाद ये गाड़ी बिल्कुल रेडी हो जाएगी पेंटिंग के लिए। साथ में हमें थोड़ा सा डेंट यहाँ पर मिला तो हमने उसको कवर कर दिया वापस पट्टी लगाकर, इसके ऊपर वापस अभी सैंडिंग होगी। अब जैसे कि आप देख सकते हैं डेंटिंग हो चुकी है, बॉडी वर्क हो चुका है, बॉडी पीलिंग कर चुके हैं, सब चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। अब हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली क्वालिटी ऑफ पेंट थिनर हार्डनर और जो क्लियर है वो कौन सी क्वालिटी के हैं और किस तरीके के हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास सुपर क्लियर का थिनर है, PU थिनर 2K, डू पॉइंट का पेंट आता है, क्रोमैक्स, एक्जाल्टा जो एक डू पॉइंट की ही पार्टनर कंपनी है उसका हार्डनर है। तो जनरली NC थिनर इज वन विच इज़ यूज टू क्लीन, 2K थिनर होता है जो बेटर कंपैटिबिलिटी होती है पेंट के साथ, थोड़ा एक्सपेंसिव होता है बट फिनिश ज़्यादा अच्छी आती है, पकड़ अच्छी होती है पेंट की। और डू पॉइंट जैसे आप जानते ही हैं अमेरिका के एक ब्रांड है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग हमारे इंडिया में भी है,
एंड नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस गाड़ी स्विफ्ट के लिए वो है हमारा पर्ल कोट, जो हमारा लास्ट स्टेप होता है बेसिकली बेस कोट, प्राइमर, बेस कोट, टॉप कोट और फिर पर्ल कोट. दिस पर्ल कोट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट विच गिव्स यू अ ट्विंकलिंग फिनिश, जो इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके पास. तो टाइम हो रहा है भाई 11:15 रात के एंड जो अपना पेंटिंग का प्रोसेस है वो कुछ हद तक कंप्लीट हो चुका है. अभी हमने इसके ऊपर लगभग तीन से चार कोट करे हैं सिर्फ पेंट के. अब हम इसके ऊपर हार्डनर का कोट कर रहे हैं. पेंट जो अभी हमने करा उसकी फिनिशिंग दिखाऊं तो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट आ रही है. यहाँ पर बॉडी किट आप देख सकते हो एंड एवरी थिंग लुक्स सो सॉर्टेड. मतलब आई एम इम्प्रेस्ड विद दी वर्क टिल नाउ. बाकी आगे देखते हैं कि और क्या क्या हो रहा है इसके ऊपर. यहाँ पर अगर हम बोनट की बात करें तो बोनट भी आपको नजर आ रहा है. तो ये है अपने पेंट की लास्ट स्टेज. अब हम मार रहे हैं क्लियर कोट. इसके अंदर हमने पर्ल्स ऑलरेडी ऐड कर दिए हैं जो मेरी गाड़ी पर थे. अब क्लियर कोट के बाद देखते हैं कैसा फिनिश आता है. इस अपने सारे पीसेस कार में पेंट हो चुके हैं जो पेंट होने थे. फ्रंट बम्पर आप देख सकते हो पूरा प्रॉपरली पेंट करा गया है. यहाँ बोनट की बात करें तो बोनट भी ऑलरेडी पेंटेड है एंड यहाँ पर हमने ब्लैक टचिंग दी है. राइट हैंड साइड का क्वार्टर पैनल भी मैंने पेंट करवाया है पूरा. लेफ्ट हैंड साइड का भी पूरा क्वार्टर पैनल पेंट हो चुका है बहुत ज़्यादा प्रॉपरली एंड बम्पर भी आप देख सकते हो. बाकी आपको बहुत ज़्यादा फर्क नज़र आ रहा होगा गाड़ी के अंदर. ऐसा लग रहा होगा कि गाड़ी में 3-4 शेड्स हैं वाइट कलर के, तो वो भी मैं अभी समझाता हूँ कि क्यों है. पेंट आ चुका है, पेंट हो चुका है गाड़ी के ऊपर. बट पेंट करने का हमने ये रियलाइज किया कि डोर का कलर अलग आ रहा है, क्वार्टर पैनल का कलर अलग आ रहा है, डिक्की कलर अलग. क्यों? क्योंकि देखो जैसे ही गाड़ी अब ओल्ड हो जाती है, पुरानी हो जाती है, तो उसकी वजह से कंपाउंडिंग की भी प्रॉब्लम हो सकती है कि हाँ यार वो रबिंग और कंपाउंडिंग करके चला जाएगा, मैच हो जाएगा. बट एक्चुअली जैसे कि आप देख सकते हैं अब हम कंपाउंडिंग कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं? ताकि यार वो मैच हो सके, क्योंकि कलर एकदम सेम नहीं आया है. ये अल्पाइन वाइट है पर्ल्स के साथ, फिनिश ओके आई है, सब चीज़ें ओके आई हैं, बट गाड़ी के साथ मैच नहीं कर रहे. तो बेसिकली भी हम वो प्रोवाइड नहीं करते हैं कस्टमर्स को कि यार हम मैच करके देंगे. हमें वो पैनल हमें दिया गया जिसको जैसे कलर में मांगा गया वो प्रोवाइड करा है. बट अब हम जैसे कि अपने अमन जी के साथ हैं तो हम उसको एक अच्छी कंडीशन और एक अच्छी आउटलुक के लिए जनरेट करने के लिए कंपाउंडिंग का स्टेप चला रहे हैं. ये हुआ कैसे है, हुआ क्यों है? इसीलिए कहते हैं कि जब बंदा एक NC थिनर और 2K थिनर या डू पॉइंट या कोबरा या एशियन पेंट, ये पेंट क्वालिटी कैसे असर करती है. अब बेसिकली जो हमने पेंट किया उसकी फेड होने की, डल होने की हम 1 से 1.5 साल की गारंटी प्रोवाइड करते हैं. बट आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट शेड्स ऑफ पेंट हैं जो पीले पड़ गए हैं, क्योंकि वो लो क्वालिटी ऑफ थिनर, लो क्वालिटी ऑफ हार्डनर और जो क्लियर, ये जो सारे प्रोडक्ट्स होते हैं अगर लोकल होंगे तो 6-7 महीने बाद वो आपको पीले पड़ते हुए दिखाई देंगे. और फिर रबिंग से तुम्हें उसको काटना पड़ेगा ब्राइटनेस इंक्रीज करने के लिए. बट जहाँ की डू पॉइंट और 2K की बात है, आपको फिनिश की कोई चिंता है ही नहीं. सो देखो बारिश का मौसम चल रहा है, मैंने बारिश के मौसम में ये गाड़ी पेंट कराई है. तो राहुल भाई इससे क्या दिक्कत होगी और क्या दिक्कत नहीं हो सकती? बारिश में मेन दिक्कत यही होती है कि जब आप पेंट रोड साइड पे मार रहे होते हैं, ओपन में मार रहे होते हैं कि पानी गिर रहा है, पेंट के साथ मिक्स हो जाएगा. जब हम इंटीरियर अंदर पेंट मार रहे हैं तो वो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि जब आपने सब अंदर करा है तो इट इज़ गेटिंग, यस वी डोंट हैव अ पेंट बूथ काइंड ऑफ अ सेटअप, बट स्टिल अंदर रहने से डस्ट, वाटर, डर्ट, इन सब चीज़ों से बंदे को प्रोटेक्ट करके क्लोज रूम में बेटर फिनिश अचीव होती है. बारिश तब प्रॉब्लम होगी जब आपने नया नया पेंट मारा और गाड़ियाँ बाहर ले गए. अगर आपने प्रॉपर ड्राइंग टाइम नहीं दिया है, उसको सेटल होने का टाइम ही नहीं दिया है, तो वो एनी डे बारिश हो नहीं हो मिट्टी चिपक जाएगी और बारिश होगी तो वो पेंट को ड्रॉप ऑफ करने लगेगी. बट यस कार में शेड्स बहुत सारे आ चुके, तो वील प्लान अकॉर्डिंगली ओवर इट कि हमें इसको रीपेंट करवाना है या इसके ऊपर कुछ और करना है. सो हम पूरी गाड़ी के ऊपर कंपाउंडिंग तो करवा रहे हैं, बट जो हमारे पीसेज रिसेंटली पेंट हुए हैं उनके ऊपर इस वीडियो में आपको कंपाउंडिंग नजर नहीं आएगी. हमने सिर्फ इनको ड्राई करने के लिए अभी छोड़ा हुआ है. साथ में ही हम इसके ऊपर कंपाउंडिंग नहीं कर सकते, नहीं तो ये सारा पेंट डिस्टॉर्ट हो जाएगा जिसकी वजह से मुझे फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आएंगी. और एक चीज़ जो आपके दिमाग में चल रही होगी कि भाई जी ये क्यों लगा रखी है लाइटों के ऊपर,
एंड रियर वाली लाइट्स के ऊपर भी। तो यस, नेक्स्ट वीडियो हमारी इन दोनों चीजों के ऊपर भी होने वाली है। सो अगेन बोलना चाहूंगा भाई, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको बहुत ही ज्यादा हॉट वाली लाइट्स इस गाड़ी में देखने के लिए मिलने वाली है। ओके, सो फाइनली वी हैव एग्जीक्यूटेड अ वेरी गुड पेंट जॉब ऑन माय कार। बाकी आप देख सकते हो भाई, दो तीन शेड नजर नहीं आ रहे, अब थोड़ा कम हो गया, क्योंकि हमने कंपाउंडिंग बहुत तसल्ली से करी है और बहुत ही अच्छे मटेरियल के साथ करी है कंपाउंडिंग। एक चीज बोलना चाहूंगा, इज डिफरेंट फ्रॉम दी पेंट जॉब एंड इट हैज बीन चार्ज सेपरेटली, राइट? ठीक है, तो अगर ये चीज बस लेके आ रहा दिमाग में कि भाई साहब अगर हम पेंट करा रहे हैं एक पैनल, तो हमारी पूरी गाड़ी कंपाउंडिंग होगी, ठीक है, तो वो सेपरेटली है, आप एक पैनल कराओ चाहे आप पूरी गाड़ी कराओ। फाइनली अब बात आती है कि मेरा खर्चा कितना हुआ है। तो 5 पीस मैंने पेंट करवाए हैं, क्या कॉस्ट पड़ी? 5 पीस × 2 = 10,000 which we cost. Okay. It's the minimum for an hatchback. हम hatchback से शुरू होते हैं, फिर हम sedan पे जाते हैं 2,500 और फिर हम SUV पे जाते हैं जो है 3,000. और basically आपके पास Merc है, आपके पास Mahindra है, या आपके पास SUV है, या कोई भी है, we are size oriented, we are not brand oriented. That is the main concept we work here. Okay. Rahul bhai, compounding की क्या cost होगी per car? Compounding per cost depend करता है कि basically आप चाहते क्या है compounding में. There are various steps. कुछ compoundings में आप soil marks remove कर रहे हैं, कुछ में scratches पे workout कर रहे हैं, और कुछ में सिर्फ shine पे. तो market में जैसे ये चीज़ की knowledge काफ़ी कम distribute करेगी, क्योंकि compounding is basically not कि भाई shine उठानी है. अगर आप intense कर रहे हैं तो आप scratches पे put forward कर रहे हैं या soil marks पे put forward कर रहे हैं, तो there are different categories. Starting from again, we are charging 4,500 for a basic car, जो start होती है, उसके बाद कितना intense जाना है, कितने steps चलाने हैं, उस पर depend करता है। Okay, so starting is 4,500. ठीक है, इसी के साथ अगर आपको ऐसा बढ़िया काम करवाना है तो आपको आना है Auto Tech Delhi. Address I-15 उद्योग नगर मेट्रो स्टेशन, पिलर नंबर 320 के ऑपोजिट, रोहतक रोड पे आपको दिख जाएगा बिल्कुल। और एक बहुत बढ़िया बात यह है कि आपको प्लेंटी ऑफ स्पेस मिलती है अंदर, आई गेस 10 कार्स खड़ी हो सकती है आराम से, 10 गाड़ियां हम खड़ी कर सकते हैं अंदर बंद करके, शटर आगे का पीछे का बंद करके, और बाहर भी मेरे पास काफी पार्किंग एरिया है, 5-6 गाड़ियां बाहर भी खड़ी हो सकती है। आपको पार्किंग से कोई भी बीटी नहीं होने वाली, आप आओगे आपकी कार सेफ रहेगी पार्किंग के अंदर, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। ओके राहुल भाई, और ये कोरोना में नहीं करना। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो टुडे। आई होप आपको ये वाली पेंट जॉब बहुत अच्छी लगी होगी जो मैंने अपनी गाड़ी पे काम करवाया है। ग्रिल और वेंट भी आपको अच्छा लग रहा होगा, बाकी सिनेमैटिक्स में आपने देख लिया गाड़ी फुल शाइन मार रही है। सो यस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड कॉमेंट करके बताना कि आपको अब लुक कैसी लग रही है गाड़ी की। साथ में गिव अवे फॉरगेट मत करना, एंड यस, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे आपको इसके ऊपर बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है। अभी हम बहुत ज़्यादा प्रोसेस में हैं, आगे नेक्स्ट लेवल मोड्स आने वाले हैं इस कार के ऊपर। सो मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन साइनिंग ऑफ। इसी के साथ हम अपने पेंट वाले खान साहब को भी बाय बाय बोलेंगे, और साथ में हमें जो पहले बताया गया था ये है हमारे डेंटर साहब, बस बाद में पेंटर भी बन गए थे। तो बाय भैया।